स्टूडेंट प्रणाम, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग क्लास सिक्स चैप्टर टू व्हील्स ऑफ कलर, ग्रेड ऑफ कलर, प्राइमरी ग्रेड कलर, सेकेंडरी ग्रेड कलर एंड थर्डरी ग्रेड कलर। रेड, येलो, ब्राउन ये इसके अंदर आते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल और ब्राउन चिली और स्टे ये ग्रीन कलर इसमें आते हैं, थर्ड में आते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कलर्स का ग्रुप किया गया है। इसमें आपको बताया गया है एक व्हील्स दी हुई है, इस व्हील्स को कलर के अनुसार डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द व्हील्स कलर इज मेड ऑफ द लेफ्ट साइड्स, द कलर ऑफ प्राइमरी ग्रेड, सेकेंडरी ग्रेड एंड थर्डरी ग्रेड आर शो। तो आपको क्या करना है, इसमें जो कलर्स दिए गए हैं व्हील्स में यही आपको इस साइड ग्रेड में भरने हैं। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि बीच में रेड कलर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे रेड कलर करना है। यहाँ पे मैंने रेड कलर किया है, जो यहाँ पे व्हील्स में दिया गया है वैसे ही आपको फिनिशिंग के साथ व्हील्स में कलर पूरा करना है। फिर उसके बाद येल्लो कलर, तो आपको यहाँ पर ये येल्लो कलर करना है। तो आपको इस तरीके से ये व्हील्स कम्प्लीट करनी है, ताकि वो आपको जो लेफ़्ट साइड में बनी हुई है उसी की तरह दिखाई दे। यूज पेंसिल कलर, पेस्टल कलर ऑफ वाटर कलर पेंटिंग, वाटर कलर फॉर पेंटिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी कलर भर सकते हैं, या तो आप वाटर कलर है, पेस्टल कलर है, पेंसिल कलर है, आपको जो पसंद आए वो आप इस व्हील्स में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर का सिर्फ भाग दिया गया है कि इसमें तीन तरह के डिवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से हमने कलर को डिवाइड किया है, किस तरीके से इसमें आपको कलर करना है, इस तरीके से किया गया है। यहाँ पे सारी आपको एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे मैंने इस व्हील्स में अंदर की साइड कलर कर दिया, यहाँ पे मैंने पेस्टल कलर का यूज़ किया है और बाहर की साइड मैंने बाकी रखा है। तो वो आप इसको अच्छे से करेंगे, जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आपको इसको करना है। आप इसमें कुछ भी कलर भर सकते हैं, खाली इस व्हील्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। और यहाँ पे ग्रेड भी दिए हुए कि कौन सा ग्रेड किस कलर में आता है, वो इस व्हील्स के द्वारा आपको समझाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर थ्री डिज़ाइन ऑर्नामेंटल। वहाँ पे डिज़ाइन ऑर्नामेंटल में ये बताया गया है कि स्क्योर है और उसके अंदर डिज़ाइन की हुई है। तो आपके फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, घर में कुछ भी ओकेशंस है वगैरह है, तो कुछ भी है, तो उसमें आप रंगोली बना सकते हैं। तो रंगोली डिज़ाइन के अंदर आती है, ऑर्नामेंटल के अंदर आती है। तो उसमें यहाँ पे आपको इस तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म डिज़ाइन में भी आपको बताया गया है कि ये वाला डिज़ाइन है तो इस तरीके से बना सकते हैं, पहले बीच में लाइन, फिर यहाँ ऊपर से आप यूँ ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे और फिर यहाँ बीच में लाइन खींचेंगे, यानी कि जो नीचे की लाइन है उसके बीच वाला भाग है वहाँ से ऊपर का जॉइंट, इस तरीके से ये वाला समझाया गया है। ये है फर्स्ट और ये वाला भी है फर्स्ट। फिर आपको बताया गया है कि बीच में स्क्योर किया गया है, तो स्क्योर आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच वाला पॉइंट। आपको बताया गया कि इन दोनों लाइन के बीच का मेजरमेंट, तो ऐसा ही मेजरमेंट इस साइड रहेगा, ऐसा ही ऊपर रहेगा और ऐसा ही नीचे रहेगा, यानी कि बाहर की साइड स्क्योर है और अंदर की साइड भी स्क्योर है। फिर उसके बाद अंदर सर्कल किया गया, तो सर्कल आप आसानी से बना सकते हैं, सर्कल कोई भी आप यूज़ करके चीज़ से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है, थर्ड वाला पोजिशन है, उसमें भी ऐसा ही किया गया है, जो बीच वाली लाइन है आपको सीधी बनानी है, उसके बाद ये वाली लाइन है सीधी बनानी है, उसके बाद आपको सेमी सर्कल से बीच वाला पॉइंट करना है। इस तरीके से ये वाला यहाँ पे किया गया है, ये देखिए यहाँ से यूँ, ये पहले सीधी लाइन की गई थी, उसके बाद यहाँ से आपको ट्रेस किया गया है, ताकि ये वाला पॉइंट्स और ये चारों पॉइंट्स हैं वो एक जैसे बने। उसके बाद अंदर फ्लावर की पैटर्न की गई है, ऐसी की ऐसी पैटर्न आपको करनी है। एन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन इज गिव इन स्क्योर, आपको क्या करना है, स्क्योर में ये ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट प्रणाम।